मूवी के स्टार्ट होते ही हम एडम और बेला को देखते हैं जो हस्बैंड वाइफ होते हैं। एडम कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था जिस वजह से वो हर रोज़ अपने घर किसी न किसी क्लाइंट को बुला लेता था। बेला को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था लेकिन फिर भी वो अपने पति के लिए खुद को समझा लेती थी। एक दिन एडम कहता है कि मैं आज रात एक बड़े क्लाइंट को घर लाने वाला हूँ, हमें उसे हर हाल में खुश करना होगा क्योंकि अगर उसने मेरे साथ डील कर ली तो कंपनी मेरा प्रमोशन कर देगी और हम अपनी ज़िंदगी और भी अच्छे से जी सकेंगे। वो बेला को खुश करने के लिए उसे एक महंगी गाड़ी भी गिफ्ट करता है जिसे देखकर बेला खुश नहीं बल्कि परेशान हो जाती है क्योंकि एडम ने गाड़ी लोन पर ली थी। बेला को परेशान देखकर एडम कहता है कि अगर रात वाली डील हो गई तो मैं सारा लोन चुका दूंगा। शहर के दूसरे हिस्से में हम एलेक्स का घर देखते हैं जिसमें उसके साथ उसकी पत्नी मरीना, उसका बेटा रॉबी और एक उनकी मेड जया रहती थी। एलेक्स और मरीना अपने कामों में इतनी बिजी रहते थे कि वो अपने बेटे की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दे पाते थे। आज रॉबी का बर्थडे था जिसे ये दोनों भूल गए थे। मरीना और एलेक्स के जाने के बाद जया रॉबी का बर्थडे मनाती है और रॉबी ये देखकर बहुत खुश होता है और केक काटकर रॉबी अपने स्कूल आता है मगर वो स्कूल के अंदर जाने की बजाय वहां से कहीं और ही चला गया था। जब ये बात एलेक्स को पता चलती है तो वो रॉबी को समझाने लगता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूं जिसके लिए तुम्हें अच्छी मार्क्स लाने होंगे। अगर तुम ऐसे ही स्कूल से भागते रहे तो तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ एडम अपने घर क्लाइंट मैक्स को लेकर आता है। मैक्स बेला की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और मौका मिलते ही उसे छूने की कोशिश करता है जिससे गुस्सा होकर बेला वहां से उठकर चली जाती है और एडम को किचन में बुलाकर उसे सब बताती है। लेकिन एडम को तो सिर्फ अपनी डील की फिक्र थी जिसकी वजह से वो बेला से मैक्स को खुश करने की रिक्वेस्ट करता है और बेला ना चाहते हुए भी अपने एडम की बात मान लेती है और मैक्स बेला की खुदाई करने लगता है। अगले दिन जब एडम अपने ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी पोस्ट एलेक्स को दे दी है क्योंकि एलेक्स कंपनी के लिए एक एडम से भी ज्यादा बड़ी डील लेकर आया था। अपनी पोस्ट खोने के बाद एडम बहुत उदास हो गया था और वो ऑफिस के बाद अपने घर जाकर बेला को सब बताता है और बेला भी उदास हो जाती है। अगली सुबह वो बेला से कहता है कि मुझे ऑफिस जाना है। बेला उसे रोकती है क्योंकि आज तो संडे था मगर जरूरी काम कहकर वो चला ही जाता है जिसके बाद वो ऑफिस में आकर सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो अपने काम से बहुत परेशान रहने लगा था। उसकी मौत के कुछ दिनों बाद बेला एडम की कंपनी में उसके बॉस माइक से मिलती है जहां माइक उसे हमदर्दी जताता है। बेला अपने पति के इंश्योरेंस के बारे में बात करने आई थी। उसके पूछने पर माइक उसे बताता है कि तुम्हें उसके इंश्योरेंस का कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि एडम ने सुसाइड किया है। फिर बेला एडम के कैबिन में जाकर उसका सामान उठाने लगती है लेकिन अब वो एलेक्स का हो चुका था। बेला यहाँ एडम के सामान के साथ साथ एलेक्स के कंप्यूटर से उसकी पर्सनल जानकारी भी निकाल लेती है ताकि वो उससे अपने पति की मौत का बदला ले सके। एक्चुअल में एलेक्स की नज़र शुरू से ही एडम की पोस्ट पर थी जिस वजह से वो उसके साथ हर दिन कंपटीशन कर उसे परेशान करता रहता था। मरने से पहले एडम ने बेला को बताया था कि एलेक्स ने उससे उसकी पोस्ट छीन ली है। बेला अगले दिन उस पर नज़र रखने लगती है। उसे पता चलता है कि रॉबी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है जिसके बाद वो उसके स्कूल में जाकर वहाँ से एक लेटर पैड चुरा लेती है। अब वो अपने घर जाकर लेटर पैड पर टाइप करती है कि रॉबी स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ता, उसके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं और स्कूल की तरफ से अपना नाम एज आ प्राइवेट टीचर लिख देती है। जैसे ही लेटर एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से इसके बारे में बात करता है। मरीना उस पर टीचर का नाम और नंबर देखकर उसे कॉल करती है जिसके अगले ही दिन बेला अपना मेकओवर करके उनके घर पहुंच गई थी। वो मरीना से कहती है कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिस पर एलेक्स उसे कहता है जब तक तुम्हारे घर पर काम चल रहा है तब तक तुम हमारे गेस्ट हाउस में रहने आ जाओ ताकि रॉबी की पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। उसने अपना नाम अमांडा बताया था। अमांडा उसकी बात मान लेती है। उनके घर शिफ्ट होने से पहले वो मैक्स के घर जाकर उसे गोली मार देती है क्योंकि उसने जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए थे। इसके बाद वो रॉबी के घर जाकर उसे पढ़ाना शुरू करती है जिससे रॉबी बहुत अट्रैक्ट हो गया था। अमांडा ने मरीना से भी बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी। अमांडा कुछ ही दिनों में उनके परिवार में ऐसे घुल मिल गई थी कि जैसे वो इन्हीं के परिवार का हिस्सा हो। फिर वो मरीना को बीमार करने के लिए उसकी दवाइयाँ बदल देती है। एक रात अमांडा मरीना को तैयार होने में मदद कर रही थी क्योंकि एलेक्स किसी पार्टी में जाने वाला था। जब वो दोनों चले जाते हैं फिर अमांडा अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है जिसे दूर खड़ा होकर रॉबी देख रहा था। अमांडा उसे देख पर भी अनदेखा कर देती है और अपनी गुफा में उंगली करने लगती है। कुछ देर बाद वो रॉबी के कमरे में जाकर कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे कपड़े चेंज करते समय देख रहे थे। वो आगे उसे कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब एलेक्स और मरीना अपने
काम पर चले जाते हैं तो अमांडा बड़ी ही चालाकी से घर की मेट जया को मार देती है, जिसके बाद वो उसकी लाश को स्टोर में रख देती है ताकि देखने वालों को उसकी मौत नेचुरल लगे। कुछ देर बाद रॉबी स्कूल से घर आता है और घर आकर वो अमांडा को अपने मार्क्स दिखाता है जो बहुत अच्छे आए थे। अच्छे मार्क्स देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और रॉबी के कमरे में जाकर फिर से पलक तोड़ ठुकाई करने लगते हैं। अब मरीना भी अपने काम से लौट आई थी और वो जया को पुकारने लगती है, मगर जब उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता तो वो उसे ढूंढते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाती है, जहां वो उसकी लाश देखकर जोर से चिल्लाती है। इस समय एलेक्स भी ऑफिस से आ गया था और मरीना भागकर उसके गले लगकर रोते रोते जया की मौत के बारे में उसे बताती है। रात को मरीना के सो जाने के बाद जब एलेक्स गेम खेल रहा था तो अमांडा उसके पास आती है। अमांडा एलेक्स के करीब आने की कोशिश करती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स वहीं पूल टेबल पर ही अमांडा को झुकाकर पेलने लगता है, जिन्हें दूर खड़ा होकर रॉबी देख लेता है। अगली सुबह अमांडा पहले मरीना की कॉफ़ी में नशे की दवा मिलाकर उसे कॉफ़ी पिलाती है और फिर रॉबी के कमरे में आकर उससे कहती है, कल रात तुम्हारे डैड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जिसे सुनकर रॉबी को अपने डैड पर गुस्सा और अमांडा पर तरस आने लगता है। अगले दिन अमांडा मरीना के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती है, मगर इस बार मरीना को पता चल जाता है कि उसकी कॉफ़ी में कुछ मिलाया है, मगर वो इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। उसी रात अमांडा को मिलने के लिए रॉबी आता है। रॉबी कल से हॉस्टल में रहना शुरू करने वाला था क्योंकि उसके पिता ने उसकी एडमिशन शहर से दूर एक बड़े से कॉलेज में करवा दी थी। अब वो दोनों पहले बातें करते हैं और बातें करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं और कपड़े उतारकर दंगल करने लगते हैं। अगले दिन सुबह रॉबी अपनी फैमिली को बाय बोलकर घर से दूर हॉस्टल में रहने के लिए निकल गया था। उसी रात मरीना घर में अकेली होती है तो अमांडा पूरे घर की लाइट बंद कर देती है, जिससे डर कर मरीना ने एक चाकू उठा लिया था, मगर अमांडा के आने से पहले एलेक्स वहाँ आ जाता है और डर के मारे मरीना उस पर चाकू से वार कर देती है, जिससे एलेक्स का हाथ जख्मी हो गया था। फिर एलेक्स के पूछने पर मरीना उसे बताती है कि मुझे लगता है कि अमांडा मुझे मारना चाहती है, लेकिन एलेक्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मरीना घर पर थी जबकि एलेक्स ऑफिस चला गया था। कुछ देर बाद मरीना के पास अमांडा आती है, वो उसे मारने आई थी, मगर वो उसे इस तरह मारना चाहती कि देखने वाले मरीना की मौत को सुसाइड समझे। दूसरी तरफ एलेक्स को अपने केविन में अमांडा की तस्वीर मिल जाती है। उसके पूछने पर माइक उसे बताता है ये एडम की वाइफ है। वो पहले हैरान हो गया था और फिर वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाता है ताकि वो मरीना को अमांडा के बारे में सब बता सके। दूसरी तरफ अमांडा मरीना को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ एलेक्स पहुँच जाता है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है। इस समय पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी क्योंकि एलेक्स ने पहले ही फ़ोन कर अमांडा के बारे में सब बता दिया था, मगर पुलिस के आने से पहले ही वो वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबी को फ़ोन करती है क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, जबकि अमांडा तो इस समय रॉबी के साथ ही थी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।